हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छी हों और सेफ हों। हमने स्टार्ट किया हुआ है बी ए बी एस सी सिक्स सैम डायनामिक्स मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको करवा रही थी। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे 1 से लेकर 19 तक, और 23rd क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। आप में से किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 3 की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके कोई भी वीडियो को आप देख सकते हो। 24th क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, तो हमारे बेसिकली 3 क्वेश्चंस रह गए, 21 एंड 22। ठीक है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड द अदर एंड मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन विद एन कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड। शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस एन स्क्वायर लेस देन जी बाय 4πa² वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। ये क्या कह रहे हैं? एक बॉडी है, उसको आपने अटैच कर रखा है किससे? एक स्ट्रिंग है, धागा है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उसके धागे से। एंड द अदर एंड वंस मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन विद एन कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड। देखो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे आपने कोई भी धागा ले लिया, ठीक है, धागे पे आपने कोई भी सामान बांध दिया, तो जब आप उसको ऐसे रखते हो, मान लो मेरे हाथ में अगर धागा है तो आप उसको ऐसे रखते हो, तो एज इट इज रहता है, उस पर आपने सामान बांध रखा है। लेकिन जब आप उसको ऊपर कर रहे हो, मान लो धीरे धीरे, तो ठीक है, वो सामान भी ऊपर हो जाता है। लेकिन जब आप झटके से उसको ऊपर करते हो, करके देखना चाहिए, झटके से जब आप उसको ऊपर करते हो तो क्या होता है, वो जो सामान होता है वो उस धागे से भी ऊपर आ जाता है, यानी कि वो एक्चुअल जो पोजीशन होनी चाहिए थी उससे ऊपर आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पर फोर्स होती है उस टाइम, जो आइसोलेशन होती है, वो किससे ज़्यादा हो जाती है? स्मॉल जी, यानी कि आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे ज़्यादा हो जाती है ना। ये सेम केस मैंने आपको लिफ्ट वाला समझाया था, लिफ्ट के अंदर अगर पार्टिकल हो, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, अगर एक स्ट्रिंग है और जो यहाँ पे दे रखा है एन कम्प्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, उसका मतलब क्या है? जब वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो वो जो ऑसिलेशन है वो क्या दे रखी है? एन ऑसिलेशंस पर सेकेंड दे रखी है। तो ये कह रहे हैं कि शो करो कि स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट। देखो जब पार्टिकल ऐसे है जब तो वो टाइट रहेगा, लेकिन जब वो ऊपर आ जाएगा, अगर वो पार्टिकल ऊपर आएगा उछल के, तो स्ट्रिंग उस टाइम तो लूज हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि शो करो कि स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगा, स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस ये एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इससे छोटी रहेगी। मतलब अगर स्ट्रिंग लूज होगा, स्ट्रिंग लूज कब होगा? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाएगी, अनटिल वो क्या रहेगा? टाइट ही रहेगा ना। तो हमें यह चीज़ शो करनी है कि इतनी वैल्यू तक वो क्या रहेगा? टाइट रहेगा। तो देखो बताती हूँ मैं कैसे करना, बिल्कुल आसान सा है। देखो इन्होंने आपको क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी एन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? √π/2 √μ/2π = n, यानी कि √π = 2πn। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो जब स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटी रहेगी, जब तक, तब तक तो क्या रहेगी? स्ट्रिंग टाइट रहेगी, स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, है ना। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगाई, थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाया, तो वो पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू जी से बड़ी हो जाएगी, तो पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, तो स्ट्रिंग आपका ढीला पड़ जाएगा, है ना। लेकिन जब तक ये सिचुएशन है तब तक स्ट्रिंग क्या रहने वाला है? टाइट रहने वाला है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है? म्यू ए, यानी किससे लेस रहनी चाहिए? जी से। तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो किसकी? म्यू की। म्यू की वैल्यू क्या है? 2πn। तो म्यू की वैल्यू अगर 2πn, अंडर रूट म्यू की वैल्यू 2πn है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4π² n² ए लेस देन जी। आपको क्या दिखाना था? आपको ये दिखाना था कि एन स्क्वायर की वैल्यू, एन स्क्वायर शो करना है ना, तो एन स्क्वायर की वैल्यू जी बाय 4πn² ये लो हो गया क्वेश्चन। तो यही तो कह रहे हैं हम कि एन स्क्वायर की वैल्यू जब तक ऐसे रहेगी, इससे लेस रहेगी, तब तक स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहेगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। बस यही आपको शो करना था। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल, कुछ ना समझ में आने वाले तो इसमें बात थी ही नहीं। ठीक है, अब देखो 21 क्वेश्चन, ये आप खुद ही करोगे, बता देती हूँ क्या करना। हिंट में वैसे सारा कुछ दे रखा है। अ हॉरिजॉन्टल प्लेट विद अ पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली विद SHM थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। वही सेम चीज़ है, अब यहाँ पे ना प्लेट है, मान लो कि ये प्लेट है और इस पर एक पार्टिकल दे रखा है, और ये जो पार्टिकल को आप ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, मान लो ये है,
ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे होने वाला डिस्टेंस है ना, ये 2 फीट दे रखा है यहाँ पे, फीट में दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। तो पूछा क्या है, वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट दैट विल थ्रो द पार्टिकल ऑफ द प्लेट। तो वही केस सेम यहाँ पे है, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाओगे, और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पेन का इस बुक के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, और जब आप इसको ज़्यादा ऊपर करोगे तो ये बुक से नीचे गिरेगा ना, उछल जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट क्या होगी कि जिससे जो पार्टिकल है वो गिर जाए। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे करना है, देखो दे ही रखा है, जैसे भी आपने इसमें क्या कह रखा है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है, देखिए वही सेम यहाँ पे करना आपको, फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 अंडर रूट म्यू बाई 2 पाई होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाला था ना म्यू की वैल्यू, ये चीज़ निकाली थी ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ से अंडर रूट एन, इसमें दे नहीं रखा क्या, देखो जैसे यहाँ पे था ना, ये एन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस थी, बट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह रखा ना, तो म्यू की वैल्यू सेम यहाँ पे ये हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इसकी तरह हो जाएगी म्यू की वैल्यू, जैसे आपने इसमें करी थी ना म्यू की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे एन मान रखा है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर नहीं हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अगर एन है तो देखो रूट म्यू क्या आ जाएगा, एन 2n पाई, और म्यू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो पूरा डिस्टेंस जो है वो 2 फिट है, पूरा डिस्टेंस जो है 2 फिट है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 फिट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फिट। अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है, म्यू ए यानी कि 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है। अब पार्टिकल कब लीव करेगा, पार्टिकल बुक को कब लीव करेगा, जब एफ की वैल्यू स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होगी, ये बात करी है, और क्योंकि यहाँ फिट में दे रखा है डिस्टेंस, तो स्मॉल जी की वैल्यू आप 9.8 नहीं लोगे, इसको क्या लोगे आप 32, क्या लोगे 32। फोर्स का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है मैक्सिमम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जब 32 से ज़्यादा होगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था आपको, एन की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 बाई 4 पाई स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, 8 बाई पाई स्क्वायर से, तो एन क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 बाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2, यहाँ से 2 रूट 2 लिख सकती हूँ मैं, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 रूट 2 बाई पाई, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n लेस, n बड़ा रहना चाहिए किससे, 2 रूट 2 बाई पाई, लेकिन क्योंकि जो डिस्टेंस था वो फिट में था, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, मिन, इसको क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 120 अंडर रूट 2 बाई, दिस इज योर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है, समझ में आ गया, क्या था इसमें, इसमें भी सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने मान ली एन है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकाल दी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होगा, जैसे वहाँ पे हमने कंसेप्ट लगाया कि जब एक्सेलरेशन या फोर्स स्मॉल जी से बड़ा होगा तब पार्टिकल जो है क्या था उसमें, क्या था आपका वहाँ पे कि पार्टिकल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा अपनी पोजीशन से। यहाँ पे क्या है, जैसे ही फोर्स की वैल्यू जी से ज़्यादा होगी तो पार्टिकल का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो बस वही कंसेप्ट लगा दिया, लास्ट में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा हिंट में दे रखा था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, 22 क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस इक्वेशन है इसमें, वैसे और तो कुछ अलग नहीं है। देखिए, इन एस एच एम यू वी डब्ल्यू विद द वेलोसिटीज एट डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज़ नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स, यानी कि जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर नहीं है इस बार, जैसे अब तक हम ओ को सेंटर मान लेते थे, यहाँ सेंटर नहीं है, और ए पॉइंट का डिस्टेंस है जो उस पॉइंट से, वहाँ जो वेलोसिटी है वो यू है, बी डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है वो वी है, और सी डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है वो डब्ल्यू है। तो शो क्या करना है, शो दैट द पीरियड टी इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, तो आपको शो करना है कि जो टी है उसकी वैल्यू, उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, करें डायग्राम बना लें,
ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ। इस बार हमने क्या किया, पॉइंट ओ को इधर मान लिया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि सेंटर में नहीं है, तो हमने यहाँ पे मान लिया इसको, चाहे ओ डैश मान लो और यहाँ मान लो ओ को, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट मान लिया और ये मान लिया ओ डैश, तो सारे जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेंगे। क्या कहा उसने, जो ए डिस्टेंस पर है पार्टिकल पी है, ये मान लो पार्टिकल पी, इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है ए, वेलोसिटी कितनी है यू, यहाँ पार्टिकल क्या है क्यू और यहाँ पार्टिकल क्या है आर, इसका डिस्टेंस क्या है बी, इसका डिस्टेंस क्या है सी, यहाँ वेलोसिटी है बी, यहाँ वेलोसिटी है डब्ल्यू, ठीक है। और मान लेते हैं कि ओ डैश से ओ तक का डिस्टेंस मान लो कि क्या है क्यू, क्योंकि ए बी सी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका फिक्स पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है, ये नहीं, ये फिक्स पॉइंट का काम कर रहा है। तो इक्वेशन यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, क्या होती थी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों लिखते थे, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड होता था, लेकिन ए यहाँ डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम कुछ और लिख लेते हैं, लेट से एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एल क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब क्या करो, हर एक पॉइंट पर इस इक्वेशन को यूज़ करो, तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या होगा, पी पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू। देखो डिस्टेंस देखो कैसे होगा, ये एम्पलीट्यूड तो एल स्क्वायर ही रहेगा, माइनस पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए, ये पूरा तो ए है ये देखो, और से लेकर जो P है उसका डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें कहाँ से लेना है डिस्टेंस, हमें तो O से P तक का डिस्टेंस लेना ना, हम तो O से P तक का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि सेंटर आपका ये यहाँ से फिक्स पॉइंट तो ये है, लेकिन सेंटर तो ये है ना, तो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होते हैं O से, तो यानी कि O से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो O डैश से P तक का डिस्टेंस कितना है A, और O डैश से O तक का डिस्टेंस कितना है K, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस K, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, a माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखिए इसको सॉल्व कर लो, u स्क्वायर बाय म्यू इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस, इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए के बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस प्लस टू ए को मैंने ऐसे लिख लिया और माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख लिया, यानी कि जब आपने इसको खोला तो ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए के बनेगा, तो वो माइनस ए स्क्वायर मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस के स्क्वायर यहाँ लिख लिया, प्लस टू ए के मैंने यहाँ लिख, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा रखेंगे, ये तो पॉइंट पी पे लगाया था, अब लगाओ पॉइंट क्यू पे, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख लो, यू स्क्वायर बाय म्यू, इस ए स्क्वायर को यहाँ लियाओ, प्लस ए स्क्वायर माइनस, सारी इक्वेशन यहाँ लियाओ, माइनस टू ए के माइनस ऑफ देखो मैंने क्या किया, मैं सारी इक्वेशन को यहाँ लिया, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय म्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए के, और ये टर्म यहाँ की किसकी बन गई, माइनस की बन गई, ठीक है। देखो अब हमने ये निकाल लिया, अब एट पॉइंट क्यू के लिए क्या करोगे, क्यू पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एल स्क्वायर माइनस वी, के लिए क्या होगा, ये बी माइनस क्यू हो जाएगा डिस्टेंस, बी माइनस के स्क्वायर, और जब r के लिए बात करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, w w स्क्वायर बाय म्यू इज इक्वल्स टू ये l स्क्वायर माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस k स्क्वायर, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को देख के सिर्फ चेंज कर देंगे, जैसे कि q पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, u स्क्वायर बाय u की म्यू, ये क्या है आपका u स्क्वायर बाय, ये म्यू है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय म्यू प्लस v स्क्वायर माइनस टू बी के, और यहाँ से क्या करो, ये प्लस कॉमन ले रखा है, ठीक है, और इसको एक साथ लिख लो, तो वी स्क्वायर बाई
mu plus b square minus 2bk, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, k square minus l square is equals to 0. ठीक है, r के लिए क्या होगा, r के लिए velocity w square by mu plus c square minus 2ck, और प्लस क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इक्वल टू जीरो. समझ में आया? मैंने फिर अब इस इक्वेशन में q और r के अकॉर्डिंग a की जगह b कर दिया और c कर दिया, u की जगह v कर दिया और w कर दिया, बाकी सब सेम रहा, k और l सेम रहेंगे. अब मुझे किसकी वैल्यू नहीं पता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अब बात आती है कि k की, और मेन बात है k और l की. आंसर क्या है, आंसर में देखो, यहाँ पर आंसर की बात करें तो कुछ इस तरह का आंसर है. अब मुझे आंसर मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, ये तीन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, ए एक्स इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बन गई. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए एक्स इक्वल टू जीरो, और अब हम अननोन को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग अननोन. कैसे करते हैं, देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, यहाँ के, यहाँ पर 2k क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसका कोफिशेंट कौन है, a. हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता हम उसकी वैल्यू निकालेंगे ना. तो देखो ये सारी टर्म्स, यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, k कॉन्स्टेंट है, a b c यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख रही हूँ, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k square minus l square, तीनों में, तो इनका कोफिशेंट क्या हो गया, 1 1 1. तो मैं क्या लिखूँगी, मैं इसको ऐसे लिखूँगी, डिटर्मिनेंट ऑफ u स्क्वायर बाय म्यू प्लस a, v स्क्वायर बाय म्यू प्लस b, और w स्क्वायर बाय म्यू प्लस c. ठीक है, यहाँ क्या था, a b और c, और यहाँ 1 1. ठीक है, जो चीज़ें सेम थी ना, 2k सब में सेम था, तो हमने यहाँ से सिर्फ a b c लिया, इन तीनों में सेम थी तो इनका कॉम्बिनेशन 1 1 1, लेकिन ये वैल्यू तीनों में ही अलग थी, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा. और किसके इक्वल होता है, 0 के, a x इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो इनको अलग अलग कर लो, कैसे, म्यू स्क्वायर बाय a, म्यू स्क्वायर बाय b, ऐसे है ना, तो मैट्रिक्स को अलग अलग कर सकते हैं. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, म्यू स्क्वायर बाय u, म्यू स्क्वायर बाय b, म्यू स्क्वायर बाय w, a b c, 1 1 1, और प्लस यहां से एक मिनट, यहाँ एक का स्क्वायर था ना, देखो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर था, स्क्वायर कहाँ गया, ये स्क्वायर था, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, और साथ में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है, तो मैंने इस मैट्रिक्स को अलग अलग करके लिख लिया, डिटर्मिनेंट. ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तभी ये बनेंगे. ओके, देखो अब बस इसको हमें सॉल्व करना है. क्या करो, हमें बस आंसर मैच करना है. अब हमारा काम है सिर्फ आंसर को मैच करना, तो उसके लिए हम स्टेप कर रहे हैं, क्या करें, इसको एज इट इज़ रखो, म्यू स्क्वायर बाय यू, म्यू स्क्वायर बाय वी, म्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू, ए बी सी, 1 1 1. ठीक है, मैंने इसको एज इट इज़ रखा. अब अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ, मैं 1 1 1 वाली रो को उठाकर यहाँ लेके आऊँ, तो ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी ना, 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और क्योंकि आपने दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. और फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस आ गया, तो देखो मैं इस टर्म को मतलब यहाँ माइनस करके 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर लिखूंगी ना, लेकिन अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाऊँ तो ये प्लस बन जाएगी, यानी कि मैं इसको इज इक्वल टू में लिख सकती हूँ ना, ऐसे 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर. समझ में आया मैंने क्या किया, ये वाली टर्म माइनस ये इज इक्वल टू जीरो है, इज इक्वल टू जीरो है, तो ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये वाली टर्म कर दी, क्लियर है. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करो, 1 बाय क्या को बनाएगा, यहाँ से ये आपका, मैंने गलत लिख दिया क्या, ये यू स्क्वायर बाय म्यू, वी स्क्वायर बाय म्यू था ना, क्या कर दिया, यू स्क्वायर बाय म्यू, ये वी स्क्वायर बाय म्यू था,
और ये w स्क्वायर बाय म्यू था। ऐसी ऐसी गलतियाँ चेक करते रहा करो, मुझसे हो जाती है। ये u स्क्वायर बाय म्यू है, नीचे म्यू है, ठीक है, नीचे म्यू है, ऊपर u स्क्वायर, v स्क्वायर और w स्क्वायर। तो देखो u स्क्वायर बाय म्यू, v स्क्वायर बाय म्यू, w स्क्वायर बाय म्यू, वन बाय म्यू, वन बाय म्यू, वन बाय म्यू कॉमन आ जाएगा, म्यू को मैं यहाँ भेज दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ u स्क्वायर, v स्क्वायर, w स्क्वायर, a b c 1 1 1 इज इक्वल टू म्यू, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले डिटर्मिनेंट को जब आप 1 एक्सपेंड करोगे प्लस माइनस 1 करके तो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद आता आंसर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है वो डायरेक्ट ही आता है बी माइनस ए सी माइनस ए और ए माइनस बी। सॉल्व करके देखें ना हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू पुट कर दो। म्यू की वैल्यू क्या निकाल रखी थी, देखो कहाँ गई म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू टाइम की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी आपको। टाइम क्या होता है, यहाँ जाने दो, बुक में आंसर में आपको यहाँ पे टी की फॉर्म दिख रही है, तो आप क्या करो टी क्या होता है 2π/√μ होता है ना, तो यहाँ से वैल्यू निकालो रूट म्यू की, क्या हो जाएगी 2π/t हो जाएगी, यानी कि म्यू क्या हो जाएगा 4π²/t², यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखोगे 4π²/t², देखो आंसर, देखो 4π²/t² इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, वो ऐसे लिख रखी है हमने, यहाँ ऐसे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर मैच करना था बस, बस इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिलाना आना चाहिए था। क्या करा इसमें हमने, डायग्राम बनाया, ये डिस्टेंस लिए, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को एट पॉइंट पी क्यू आर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अननोन का एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, मैट्रिक्स को अलग अलग कर दिया, बस ये आंसर मैच करना था। तो ये तीनों क्वेश्चन ही मतलब ऐसे थे, सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा लॉजिक वाले नहीं थे। बाकी अब मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट होती है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट यूनिट में चैप्टर हैं 4, 3 करवा दिए हैं, फोर्थ कल से स्टार्ट करवाऊंगी, चारों के 4 चैप्टर करने हैं आपने ताकि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाए, फिर हम 5th 6th करेंगे, उससे आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट हम एनी 5 अगर आता भी है ऑप्शन तो 5 क्वेश्चन के लिए हमें 2 यूनिट तो करनी ही करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको डायनेमिक्स का सिलेबस जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है। 4 चैप्टर भी आसान है, एक ही आर्टिकल है, मतलब 2 आर्टिकल है, समझने वाला है, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत आसान है, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में कोई डाउट हो किसी को तो बता देना, एग्जाम्पल्स जो है वो खुद ट्राई कर लेना। देखो अब मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एग्जाम्पल्स को खुद करो, ठीक है। तो खुद से एग्जाम्पल्स करते रहा करो साथ साथ, कोई ना समझ में आए तो पूछ लिया करो, वरना पहले एक्सरसाइज कर लो सारी, क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने सारे समझ लिए तो फिर एग्जाम्पल ऐसा कोई नहीं होता, होता अगर एक दो होता है, वरना बाकी सारे क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व हो जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स के, ठीक है। तो एक्सरसाइज कर लो पहले सारी, उसके बाद एग्जाम्पल ट्राई करना, फिर नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।